पन्ना जिले के ग्राम पंचायत कठवरिया उप स्वास्थ्य केंद्र में ठेकेदार ने 15 महीने पहले निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। 25 लाख की बिल्डिंग में घटिया तरीके से काम कराया जा रहा है। कांग्रेस के युवा साथी सौरभ गौतम का कहना है कि ठेकेदार ने पतली डस्ट का उपयोग किया है जो कि बिल्डिंग के लिए हानिकारक है, उसकी जाँच और ठेकेदार पर कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसा ही ग्रामीणों का भी कहना है। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। जी, आप गांव में रहते हैं तो इस उप स्वास्थ्य केंद्र को निश्चित ही देखते होंगे यहां से आते जाते हुए, तो क्या है इसकी स्थिति क्या है? जी, मैं बाहर था, इसकी भी शिकायत हुई थी गुनौर में, गुनौर से लिंक निकाली गई और इसमें शिकायत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कठवरिया में विकास की बलि चढ़ चुकी है। कुल मिला के ठेकेदार द्वारा कुल मिला के गुंडागिरी की जा रही है। देखिए, ये जहाँ तक मेरे को भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो सामान लगा हुआ है ये सब पूरी दीवारी बार पिलर पूरे फूट चुके हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है मेरे को, ये स्थिति है पिलर की। तो इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं की है? इसकी शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई थी, हम लोग मोहंदरा में थे, अभी अभी आए हुए हैं कठवरिया के विकास के लिए। जी, मैं ये आपको आम नागरिक दिखा दूँ कठवरिया के, इनसे भी बयान ले लीजिए। ये ऐसी स्थिति रहती या है, वो ठेकेदार यही करते हैं सब जी, और वो सब गुंडेगर्दी यही में चल रहा है। जी जी, चलिए, और चारों तरफ से उस स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हैं अपन, देखते हैं क्या स्थिति है, जानते हैं गांव के लोगों से हाल चाल। पिलर पूरे झुक चुके हैं। जी जी, और यहां पर मटेरियल है जी, तो इसकी बात आपने आगे रखी किसी से? और मैं कोई बात नहीं देखता है, मैंने खुद अकेले आवाज उठाई है, गांव का कोई आदमी इसमें आगे नहीं आ रहा जी। तो मैं यहाँ पर सौरभ गौतम जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो आगे आए, और ये देखिए पिलर की क्या स्थिति है यहाँ पर। देखिए, बरसात आ चुकी है, निश्चित रूप से ये बिल्डिंग यदि बरसात हुई तो ढह जाएगी। और ठेकेदार से मेरा पुनः निवेदन है, यदि गांव में इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया तो मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं निश्चित इसमें कार्रवाई करूंगा, और कार्रवाई करते हुए इस उप स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द कठवरिया के विकास के लिए बनवाऊंगा। इसमें कठवरिया के विकास के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र जरूरी है, जनता की सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।